आप જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પારસ શાહ સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ તરફથી। એક મુલાકાત પ્રોગ્રામ ની અંદર આજે એક નવા ચહેરા સાથે, નવા વ્યક્તિત્વ સાથે, અને એ પણ વુમન માટે બહુ જ સારું અને મોટા લેવલનું વર્ક કરી રહ્યા છે। એમનું નામ છે મંજિલ નાણાવટી। આજે એમનો પરિચય, એમની હિસ્ટ્રી આપણે એમના મોઢે સાંભળીશું કે એ શું કરવા માંગે છે અને ક્યાંથી એમણે એમની પદવી ધીરે ધીરે કરીને સ્ટાર્ટ કરી છે અને આજે કયા લેવલ પર છે। રેડી રોલ આપકા પરિચય। નમસ્કાર, મેં મંજિલ નાણાવટી, બેસિકલી આઈ એમ ધ સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ ઓફ નોટ ઓનલી ફોર ઇન્ડિયા, इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा एंड यूएसए भी, इंडिया के साथ मैं सोशल वर्क कर रही हूँ पिछले कई वर्षों से। क्योंकि मैं गुजराती हूँ और हिंदुस्तानी पहले हूँ फिर गुजराती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बात करना चाह रही हूँ। जो तुमने जनावता आनंद पण थाय छे कि मेरी लिखी हुई जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं एज अ राइटर, वो भी हिंदी में हैं और बाहर विदेशों में भी जाके मेरी मेरे से लिखवा के मांगा गया, तो भी मैंने यहाँ पे अपने इंडिया में भारतीय महिला के ऊपर जितनी बात मैं कर सकती हूँ उसको सारांश के रूप में निष्कर्ष निकाल के मैंने वो जो कविता और पोएट्रीज लिखी वो मेरी वहाँ की बुक्स में भी पब्लिश हुई है, कनाडा और यूएसए में भी। पर कहते हैं ना कि अपनी धरती पर जो बात है वो दूसरी बाहर की जगह में, दुनिया में कहीं नहीं है। कितना भी सोना वहाँ बिखरा हुआ है लेकिन मुझे वापस यहीं आने में इंटरेस्ट है और मैं, क्योंकि यहीं पे मेरी जड़ें जमी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ से बात करना चाह रही हूँ। मीडिया से मैं जुड़ी हुई हूँ, इंटरनेशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ और गुजरात और महाराष्ट्र की प्रभारी भी हूँ। मैं अपने बारे में बहुत सारा देर तक नहीं बता के सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि पत्रकार और मीडिया वो जिस प्रॉब्लम में हमारे यहाँ भारत में कार्य कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स उनके ऊपर चारों तरफ से प्रेशराइज होके उनको काम करना पड़ रहा है और उन पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं हमें जुटानी चाहिए वो सबका सबके लिए हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी है ऑल इंडिया की सर्किट हाउस में अभी एक महीने पहले यहीं पर आके। फिलहाल मुझे जो आज जो जिन लोग आप लोगों ने जो यहाँ बुला के जो मुझ पे मेहरबानी की है और मुझे बोलने का मौका दिया है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ आपके सामने, ये स्टार न्यूज़ गुजराती लाइव, जैसा कि यहाँ इनका स्लोगन है सत्य नो साथ जनता नो आवाज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल ने जो स्लोगन रखा है वो बहुत ही सोच समझ के रखा है। अगर सत्य का साथ देने के लिए कोई चैनल उठ जाए तो वो कभी भी असत्य जीत नहीं सकता, ये मुझे मालूम है। सत्य कड़वा होता है लेकिन धीमे चलता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है, असत्य पे विजय उसकी हर हालत में होती है और ये हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं हमें सबको मालूम है कि सबका साथ सबका विकास जिस तरह से एक स्लोगन है ऐसे ही ये स्लोगन है जो कि ये चैनल का है। बहुत अच्छा कार्य ये कर रही है और इस वक्त भी भरी सभा में, वह भरी बारिश में ये लोग जो काम करके मेरे पास आए हैं भीग के पानी में से, वो मैं अभी आपको लेटेस्ट उदाहरण अभी का दे रही हूँ। तो इतनी मेहनत अगर ये चैनल कर रही है और सत्य के लिए कर रही है, जानने के लिए, उसमें से कहाँ माइनस हो रहा है और कहाँ प्लस हो रहा है वो मैंने अभी जो स्क्रीन देखी उसमें से मैंने नोट कर लिया। एक चीज़ जो मैंने नोट की मैं कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ बाहर निकलने पे चार रास्ते पे पुलिस इसलिए रोकती है पब्लिक को कि मास्क क्यों नहीं लगाया, वो दंड भी देती है। लेकिन मैंने अभी देखा कि जो हमारे यहाँ ऊपर जिस जो प्रोग्राम आप लोग करके आए हैं उसमें मैंने देखा पूरी पब्लिक में न तो लीडर्स ने मास्क लगाया हुआ और न ही पब्लिक ने। इस बात का मुझे कहते हुए बहुत विषाद का सब्जेक्ट है कि अगर ऊपर राजा अगर कोई काम नहीं कर रहा होगा तो प्रजा कैसे करेगी, उदाहरण हमेशा ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खाली सोशल एक्टिविस्ट हूँ इतना ही नहीं है, मैं राजनीति से भी पूरी तरह कनेक्ट रही हूँ, कॉरपोरेशन का इलेक्शन के समय भी, विधानसभा के इलेक्शन के समय भी और लोकसभा के इलेक्शन के समय भी।
उस वक्त हर बार मुझे टिकट लड़ने के लिए प्रेशराइज किया गया और मैंने किया भी, करवाया मुझसे और मैंने किया भी। लेकिन फिर एक जगह आके मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि मैंने एक ऊपर लेवल पे आके किसी एक जगह से अपना हाथ खींच लिया हर बार। क्यों? क्योंकि वो सत्य का साथ नहीं था। वहां कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज आ रही थी कि मैं चार लोगों का एहसान लूं फिर टिकट लड़ूं। लेकिन आप लोग, हम लोग सब जानते हैं कि अगर मैंने आज किसी एक आदमी का एहसान लिया और वो भी फाइनेंशियली 100% आज नहीं तो कल मुझे उसको चुकाना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। और हम अच्छे से जानते हैं एक स्त्री किस किस तरीके से हमारे समाज में अपने किसी दूसरे का एहसान चुकाती है। एक तरह से एक स्टाइल नहीं है वो, उसमें बहुत सारी स्टाइल है और मैं वो सब में विश्वास नहीं रखती। इसलिए मैंने बनी बनाई ऊपर तक जाके ऊपर टिकट वापस दे दी क्योंकि मैं उस भ्रष्टाचार में की भागीदारी नहीं बनना चाहती। आगे भी फिर बार बार बुलावा आता है लेकिन मैं अपने सिद्धांत की पक्की हूँ। अगर कहीं भ्रष्टाचार करके गलत काम करके अगर मुझे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ा मैं कभी नहीं जाऊँगी। मैं जहाँ हूँ जिस तरह से मैं महिलाओं का काम कर रही हूँ वर्षों से और मेरा आज भी और आगे भी महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ और वो भी उन महिलाओं के लिए जिनका कोई नहीं है, जिन बच्चों का कोई नहीं है रखवाला, उन्हीं के लिए मैं काम करती हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। आई एम रनिंग माई NGO ऑल्सो माँ फाउंडेशन एंड सेकेंडली नगरी फाउंडेशन। पर मेरा जो एम है वो यही है कि जिनका कोई रखवाला नहीं है, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे सकता, वो बहुत दबे हुए लोग हैं या जो अकेले रह रहे हैं उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। मेरे आश्रम की तैयारी भी चल रही है, वो गुरुकुल आश्रम की तैयारी जगह मुझे मिल चुकी है। सिर्फ इतनी बात है कि अब उसको बनाने के लिए मुझे उन्हीं लोगों का साथ चाहिए जो भ्रष्ट नहीं है। कहीं से भी कोई गलत तरीके से मैं उनका साथ और उनका पैसे या उनका प्रेशराइज होकर काम कभी भी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि मेरा अपना गुरुकुल आश्रम हो, उस आश्रम में संत भी हो, वो महिलाओं हो, महिलाएं हो जो गलत रास्ता चुनना पड़ता है जब वो परेशान होती है, वो बच्चे जो आज बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनका कोई नहीं होता, उनके लिए उनकी मेडिकल की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था। क्योंकि प्रीवियसली आई वॉज टीचर ऑल्सो इन DPS, 3 साल मैं रही हूँ खुले एरिया में, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, जो मजदूरों के बच्चे हैं उनको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। मतलब मैंने 30 साल का जो मेरा अनुभव है उसका निष्कर्ष अब मैं उस आश्रम में गुरुकुल में बनाना डालना चाहती हूँ। और वो लोग ये चाहते हैं कि घड़ा घर बने, मुझे इस बात का इच्छा तो बहुत है कि घड़ा घर बने, लेकिन घड़ा को उनके बच्चे इस तरह से छोड़ दें और घड़ा घर में ले जाके छोड़ दें तो उनको हम घर का वातावरण दे सकें, ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ, करूँगी क्योंकि मेरी आदत है वो सब करने के लिए। जी मैम, सुना है कि आप उमन पे एक वेब सीरीज भी बना रहे हो। हाँ जी, तो उस मैं एक वेब सीरीज का सीरीज की तैयारी मेरी चल रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग मेरी चल रही है, बाकी मेरी सभी कलाकार और जितना भी पार्ट होता है उसका वो सब की तैयारी हो गई है जी। सिर्फ ये कि शुभ समय का इंतजार कर रही हूँ कि कब करना चाहिए, शायद कोरोना में करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, पर एक धीमी से शुरुआत तो मैं कर देने वाली हूँ क्योंकि कोरोना में भी वो अनुभव जो मुझे हुए हैं जिन, और मैं महिला बेस्ड ही बनाती हूँ सब कुछ, आज भी ये जो बना रही हूँ वो महिला पे ही है कि एक स्त्री, एक लड़की, स्त्री नहीं कहूंगी, एक लड़की एक कम उम्र से मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के जब ऊपर जाना चाहती है तो वो उस ऊपर तक जाने में उसको किन किन पायदान में से गुजरना पड़ता है, किन किन परेशानियों में वो विकास करके और ऊपर अपना नाम करती है या पद ग्रहण करती है, उनको किस किस चीज़ों का सामना करती है, ये सब कुछ मैं उसमें दिखाना चाहती हूँ। और ये सीरीज, ये वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट जो है, पहला एपिसोड, वो इसमें ये सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि शुरुआत कहाँ से होती है। इस चीज को रोकने के लिए एक कन्या, एक स्त्री हर पग पर ये ध्यान रखे कि देखो मैं ये करूंगी तो ये होगा, ये करूंगी तो ये होगा, वो सब चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए कि उसको कभी कहीं किसी को भोग नहीं देना पड़े और ये वो उसको ये सद्भाग से ये सारी चीजें मैं उसको मिल जाए जो हम चाहते हैं, बस वो मैं उसमें दिखाना चाहती हूँ। मेरा काम चालू हो चुका है और शायद आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा ऐसा लगता है। ओके, थैंक यू।